चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है। इफ वी एड वन टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कह रहा है यदि अगर हम वन नोमिनेटर में ऐड कर देते हैं और वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो रिड्यूस होकर वन हो जाता है। इट बिकम हाफ इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। फिर आगे में क्वेश्चन है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो हाफ हो जाता है यदि हम वन डिनोमिनेटर में सिर्फ ऐड करेंगे तो। तो इनका ये सॉल्यूशन देखते हैं। इसलिए एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था लेकिन वहां पे आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां आपका है एलिमिनेशन मेथड। तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। इफ वी एड टू द नोमिनेटर एक्स प्लस वन एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट करना है तो वाई माइनस वन इक्वल टू अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता आपका वन, राइट। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस कर दीजिए तो एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस है राइट पे शिफ्ट होगा तो माइनस वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। यहां से आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अगेन अब यहां से देखना है सिर्फ वो किस में वन को ऐड कर रहा है डिनोमिनेटर में, तो एक्स को उसी टाइप से रहने दें वाई एक्स अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू, तो फ्रैक्शन कितना हो रहा वन अपॉन टू, क्रॉस कीजिए तो टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। यहां से आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। साइन कन्वेंशन सिर्फ चेंज करेंगे तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, कैंसल क्या क्या आपका हो रहा है वाई कैंसल हो जाएगा आपका, यहां से मिल जाएगा आपको माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस माइनस कैंसल तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया थ्री। जब हमारा एक्स की वैल्यू आ गया तो हम एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इधर मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है हमारे पास में एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, वाई की वैल्यू निकालनी तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू और एक्स आपका प्लस है राइट पे शिफ्ट होगा तो माइनस माइनस टू। एक्स की वैल्यू है हमारे पास में माइनस थ्री तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसल वाई इक्वल टू फाइव, तो फ्रैक्शन कितने आ गए हमारे, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि हैंस द required fraction will be कितना होगा 3/5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो 3
टाइम्स एज सोनू, यानी 3 गुने थे सोनू से, तो 10 साल के बाद में जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगा एज कंपेयर टू सोनू। तो मैं फाइंड करना है कि नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है। आइए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट दी नूरी एज बी एक्स एंड सोनू एज बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। 5 ईयर्स आगो यानी 5 साल पहले, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वाई माइनस फाइव। थ्राइस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सानू को, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 3y माइनस 15। वाई को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू -15 और +5, तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10। यहां से आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अगेन 10 ईयर्स लेटर, इट मीन्स कि एक्स प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10 ट्वाइस, मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सानू को, तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। y को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। यहां से आपका इक्वेशन सेकेंड मिल गया। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन फर्स्ट है आपका एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10 एंड एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ऐसा करते हैं कि यहां से साइन कन्वेंशन को हम चेंज करते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, ये एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा यहां से। अब यहां से देखना, ये जो आपका माइनस 2y है, यानी कि इस माइनस को मैंने कन्वर्ट किया प्लस में, तो जब 3 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -y इक्वल टू -10 एंड -10 इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल, राइट। y इक्वल टू 20, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 20, तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन वन में। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमारे पास में क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू माइनस 10 और माइनस, जब प्लस माइनस 3y है राइट पे शिफ्ट होगा, तो आपका +3y -10 +3 इंटू y कितना है 20, तो -10 प्लस 60 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देयरफॉर नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। 2 नंबर का सम जो है आपका 9 है, और क्वेश्चन में फिर आगे मैं आपसे कहा गया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, और जो नंबर है आपका उसका क्या है 9 टाइम है,
और जो रिवर्सिंग नंबर हमने करके लाएंगे, जो ऑब्टेंड होगा रिवर्सिंग, उसका ट्वाइस है। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को, इजी है, उतना टफ नहीं है। लेट दी यूनिट डिजिट प्लेस बी एक्स एंड टेन डिजिट प्लेस बी वाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। देन नंबर इक्वल टू, यूनिट डिजिट का मीनिंग क्या होता है? यूनिट मतलब वन, तो टेन डिजिट पहले मैं लिख रहा हूं, टेन वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब इसी नंबर को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो रिवर्सिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो यूनिट प्लेस था वो आपका टेन डिजिट प्लेस बन जाएगा, और जो टेन डिजिट प्लेस था वो यो आपका यूनिट डिजिट प्लेस बन जाएगा। नाउ रिवर्सिंग सिंग नंबर इक्वल टू, तो टेन एक्स प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू डिजिट एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, इक्वेशन नंबर वन। नाउ नंबर ऐसा करते हैं कि रिवर्सिंग नंबर इक्वल टू नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर है हमारे पास में टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, नंबर है हमारे पास में टेन वाई प्लस एक्स, नाइन टाइम्स नंबर नाइन कर दिया। उसके बाद में आपका क्या है कि ट्वाइस दी रिवर्सिंग नंबर, तो ट्वाइस भी कर दिया मैंने यहां से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू नाइनटी वाई और प्लस नाइन एक्स, अगेन 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इक्वल टू जीरो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 11x माइनस 88y इक्वल टू जीरो, 11 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू जीरो, x माइनस 8y इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आपका आ गया सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन एंड एक्स माइनस वाई सॉरी एट वाई इक्वल टू जीरो, तो कितना हमारा आ रहा है माइनस प्लस माइनस कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा प्लस नाइन वाई इक्वल टू नाइन, वाई इक्वल टू नाइन अपॉन नाइन कैंसल होगा, तो फाइनली वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका वन। जब वन आ गया तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। नाउ पुटिंग दे value of y in equation 1, equation 1 है आपका x plus y equal to 9, x की value निकालनी, तो x को आप यहीं रख लो 9 minus 1, x equal to कितना आ जाएगा 8। अब हमें नंबर निकालनी है, नंबर बतानी, तो नंबर क्या है आपका, so that नंबर इक्वल टू टेन वाई प्लस एक्स, टेन इंटू वन प्लस एट, तो ये आपका हो जाएगा टेन प्लस एट इक्वल टू एटीन, ठीक है। देयर फोर नंबर इक्वल टू एटीन, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड का फोर्थ पार्ट, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए वो विदड्रॉ करती है और कैशियर से कहती है कि मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए, केवल चाहिए। और कैशियर ने उन्हें 25 नोट्स देते हैं। तो हमें ये पता करना है कि कितने 50 के नोट्स हैं और कितने 100 के नोट्स हैं। तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 100 नोट्स बी एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 क्यों किया, टोटल उनको नोट्स मिले हैं 25। ठीक है, और हमें बताना है कि 50 नोट्स कितने हैं और 100 नोट्स कितनी है। सेकेंड में 50 को हमने माना है x और 100 को माना है y, तो 50x plus 100y equal to 2000। यहां से 50 में कॉमन ले लूंगा तो x plus 2y equal to 2000। राइट, x plus 2y equal to 2000 divided by 50, कैंसिल होगा 0 0 और ये 5 5 5 4 20। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन आपका हो गया 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है आपका x प्लस y इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो माइनस माइनस माइनस, सारे प्लस में था इसलिए माइनस में हमने चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा आपको माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, कैंसिल होगा तो वाई इक्वल टू 15। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू 25 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10। देयरफॉर नंबर ऑफ 50 नॉट्स इक्वल टू 10 एंड 100 knots equal to 15। ये आपका complete solution हुआ। तो चलिए next question देखते हैं, question second का fifth part। देखिए मैं question को copy नहीं कर रहा हूं, मैं बता देता हूं जो जो given information है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days. While Sassi paid 21 for the book she kept for 5 days, find the fixed charge and the charge for each day. एक लाइब्रेरी है जो बुक प्रोवाइड करते हैं और 3 days का उनका जो है चार्ज वो फिक्स्ड है, और 3 days के अलावा जो एडिशनल उनका चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन, लेट द 3 day चार्ज बी एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल आपके पास में 7 day है और 3 day का चार्ज फिक्स है, तो 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आपके पास में मिलेगा।
इट मीन्स कि एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, सरिता पे कर रही 27 और 5 डे ससी रखती हैं तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली बचेगा 2y इक्वल टू 27 में 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू y की वैल्यू कितना आया हमारा 3, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 2 5 और 2 में 1, तो x कितना आ गया 15। देखिए यहां से मैं 3 डे का जो मान के रखा हूं वो किसको मान के रखा हूं, x को, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना हमारा y, मैं यहां लिख देता हूं कि therefore fixed charged equal to 15 rupees and additional charge equal to 3 rupees। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।